नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। हरियाणा में एक सप्ताह और बढ़ा लॉकडाउन। हरियाणा में लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 19 जुलाई के सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों और हरियाणा पुलिस महानिदेशकों को आदेश जारी किए। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर अभय चौटाला ने सरकार पर लगाए यह आरोप। कुरुक्षेत्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं पूर्व विधायक अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार एलनाबाद उपचुनाव और जिला परिषद के चुनाव हार कर के डर से नहीं करवा रही है और न ही कांग्रेस एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयार है। भाजपा और कांग्रेस दोनों को पता है कि चुनाव में उनकी हार निश्चित है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई से तमाम पार्टियां बौखलाई हुई हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वे जाट धर्मशाला में इनेलो किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश स्तरीय बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सिरसा में डिप्टी स्पीकर गंगवा के काफिले पर किसानों ने किया पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़े। सिरसा में रविवार को विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और व अन्य भाजपा नेताओं के काफिलों को रोककर किसानों ने पत्थरबाजी की। इस दौरान कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करके उन्हें हटाया और कुछ को हिरासत में लिया। हांसी के भाजपा विधायक विनोद भयाना ने किसानों से मांगी माफी। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में बीते दिन कार्यक्रम से निकलते समय विधायक विनोद भयाना के साथ गाड़ी में बैठे एक नेता द्वारा प्रदर्शन के दौरान महिलाओं को अश्लील इशारा करने के मामले में किसानों ने रविवार को विधायक भयाना के आवास पर जमकर प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चले प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों पुलिस बल की तैनाती की गई थी। डीएसपी विनोद शंकर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट कम नायब तहसीलदार जगबीर सिंह, शहर थाना प्रभारी विकास कुमार व नारनौत थाना प्रभारी उम्मेद सिंह, सीआईए वन चार्ज दलबीर सिंह आदि मौके पर मौजूद थे। फतेहाबाद में सहकारिता मंत्री और सांसद का विरोध, किसानों ने तोड़े बैरिकेड्स। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर प्रदेश में भाजपा जजपा के मंत्रियों और सांसदों का विरोध जारी है। रविवार को हरियाणा के सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल के फतेहाबाद पहुंचने की सूचना मिलते ही सैकड़ों किसान इनका विरोध करने काले झंडे लेकर भूना रोड स्थित भाजपा कार्यालय के सामने इकट्ठा होना शुरू हो गए। बहादुरगढ़ की टीम ने दिल्ली में पकड़ा भ्रूण लिंग जांच गिरोह, महिला समेत 3 दलाल गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोख के कातिलों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। विभाग ने भ्रूण लिंग जांच कराने वाले एक और गिरोह का भंडाफोड़ किया है। विभागीय टीम ने महिला समेत 3 दलालों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इस मामले में मुख्य आरोपित समेत 2 महिला डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं। जेजेपी ने संगठन में किया विस्तार, महिला प्रकोष्ठ में की महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन में विस्तार करते हुए महिला प्रकोष्ठ में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। प्रदेश स्तर पर 52 महिला पदाधिकारी नियुक्त की हैं, जिनमें 1 प्रदेश महासचिव, 15 प्रदेश सचिव, महिला सेल में 11 प्रदेश सहायक सचिव और महिला प्रदेश कार्यकारिणी में 25 महिलाओं को शामिल किया है। प्रदेश में तीसरे दिन में पकड़ी बिजली चोरी, 25.6 करोड़ का जुर्माना वसूला। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि बिजली चोरी पकड़ने के लिए प्रदेश में तीसरे दिन भी छापेमारी की गई। प्रदेश भर में चल रही छापेमारी के दौरान अभी तक पकड़े गए करीब 13,985 किलोवाट से अधिक बिजली चोरी के मामले में लगभग 25.6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यूपी, दिल्ली और हरियाणा में मानसून का काउंटडाउन शुरू, बदला मौसम का मिजाज, कल होगी इन राज्यों में बारिश। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अभी भी लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई के बाद मानसून दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कई इलाकों में दस्तक दे देगा। ऐसे में अभी से विभाग ने यूपी, बिहार, दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश में चेतावनी जारी कर दी है। आजाद हिंद फौज के 58 गुमनाम सैनिकों को पहचान का इंतजार, तलाश नहीं पाया प्रशासन। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के 58 सैनिक अब भी गुमनाम हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार विभाग ने इनका रिकॉर्ड खंगालकर नाम और गांव सहित सरकार को पहुंचा दिया। प्रशासन के पास भी रिकॉर्ड है, लेकिन अभी तक इन सैनिकों के परिवारों को तलाशा नहीं गया। मुख्य सचिव ने भी पत्र लिखे, लेकिन अभी तक सैनिकों के परिवारों का पता नहीं चल पाया है। इसका असर ये है कि दूसरे विश्वयुद्ध में अपने प्राणों की आहूति देने वाले सैनिकों को आज़ादी के 74 साल बाद भी स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिल पाया।
अब रेवाड़ी के श्री भगवान फोगाट ने ऐसे गुमनाम सैनिकों को पहचान दिलवाने का बीड़ा उठाया है। कालका में बेकाबू ट्रक ने 7 लोगों को रौंदा, माँ बेटे की मौत। पंचकुला के कालका में एक ट्रक ने एक ही परिवार के 6 लोगों समेत 7 को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में माँ बेटे की मौत हो गई। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी। इस हादसे के कारण पुराने NH पर जाम लग गया। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम को एक बेकाबू ट्रक ने 3-4 लोगों को, 2 स्कूटी और 1 बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रक खंभे से टकराकर रुक गया। भिवानी में 2 भाइयों और भतीजे को गोली मारकर हवलदार ने की आत्महत्या। शनिवार रात गांव किरावड़ में साइबर सेल में तैनात एक हवलदार ने 2 सगे भाइयों व बड़े भाई के लड़के को गोलियां मार दी। इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। गोली लगने से घायल हुए 3 लोगों को इलाज के लिए हिसार के निजी अस्पताल ले जाया गया। जानकारी लगते ही बवानी खेड़ा पुलिस थाना SHO रविंद्र कुमार, DSP हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह और SP अजीत शेखावत गाँव किरावड़ पहुंचे। किसान आंदोलन के खिलाफ GT रोड खुलवाने को सड़क पर उतरेंगे, ग्रामीण 21 को होगा पैदल मार्च। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के कारण पिछले 7 माह से GT रोड बंद है। इसका एक लेन खुलवाने के लिए आसपास के ग्रामीणों के साथ राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच लगातार प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में रविवार को गांव मनौली में करीब 3 दर्जन गांव के लोगों ने बैठक की। राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच की अगुवाई में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि 21 जुलाई को सभी ग्रामीण KMP के पास से सिंघू बॉर्डर तक पैदल मार्च करेंगे और अपनी मांग रखेंगे। यदि प्रशासन की ओर से उन्हें रोका गया तो वे लोग भी कोई बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होंगे। करनाल में किसान की गोलियों से भूनकर हत्या, शव के पास मिली शराब की बोतलें और ग्लास। करनाल के कस्बे में हत्या हो गई है। यहां पुराने बस स्टैंड पर रविवार की रात 4 बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल अस्पताल के मोर्चारी में भिजवा दिया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने भैंस व्यापारी को गोली मारकर 57,000 रुपये लूटे, मामला दर्ज। पलवल में बाइक सवार बदमाशों द्वारा भैंस व्यापारी को गोली मारकर 57,000 रुपये लूटने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 2 व्यापारी सुबह घर से भैंसों की खरीद के लिए निकले थे। पलवल इलाके में आने पर गांव अलावलपुर के नज़दीक बाइक सवार 2 बदमाशों ने रास्ते में उन पर गोली चला दी, जिससे एक व्यापारी घायल हो गया। घायल को तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं चांदहट थाना पुलिस ने मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान को लेकर पंजाबी समाज में रोष, फूका पुतला। हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहे जाने पर रोष प्रकट किया है। हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ फरीदाबाद में पहले तो चढ़ूनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर पुलिस कमिश्नर के सेक्टर 21C कार्यालय पर एकत्रित होकर इससे संबंधित ज्ञापन 6 जुलाई को सौंपा था और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान की सभी ने कड़ी निंदा की थी। जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस भी बकाया है, लोगों की समस्याओं का समाधान करता रहूंगा, विज। मैं लोगों की बदौलत हूं, लोगों ने चुना है, यह अल्फाज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के हैं। भाजपा जब विपक्ष में थी, चंद विधायक ही भाजपा के थे, तब भी विधानसभा में भाजपा की आवाज़ व पहचान बने अनिल विज के। आज भी वही अल्फाज हैं जो तब थे। लोग न्याय की आस लेकर, मुझसे मिलने की चाह लेकर दूर दराज के क्षेत्रों से मेरे दर तक पहुँचे और मेरे खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कर्मचारी और सुरक्षा एजेंसियों ने मुझसे ना मिलने दिया, यह सरासर गलत होगा। भले ही मेरा स्वास्थ्य कितना भी आप क्यों ना हो, मेरे दर पर पहुंचे हर व्यक्ति को न्याय देना मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है। जिस पद पर मैं विराजमान हूं, उसकी नैतिकता बनती है, यह कहना है प्रदेश के गृह, स्वास्थ्य एवं शहरी निकाय मंत्री अनिल विज का। भाजपा कार्यकर्ताओं की गुप्त बैठक के बावजूद किसानों ने जताया विरोध, जमकर की नारेबाजी। झज्जर में कृषि कानूनों को लेकर निरंतर भाजपा नेताओं का विरोध कर रहे किसानों ने एक बार फिर झज्जर में भाजपा नेताओं का डटकर विरोध किया। भाजपा के सांसद डॉ. अरविंद शर्मा, प्रभारी विनोद तावड़े और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को लघु सचिवालय के संवाद भवन में झज्जर के कार्यकर्ताओं की बैठक लेनी थी। कार्यकर्ताओं की बैठक होने की सूचना पूरी तरह गोपनीय थी। भाजपा नेता व शराब ठेकेदार में पुलिस के सामने हुई धक्का मुक्की मारपीट।
हरियाणा के यमुनानगर में आज भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में भाजपा नेता व शराब ठेकेदार और उसके साथियों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट हो गई। दरअसल यमुनानगर के पौश इलाके मॉडल टाउन में पिछले दिनों शराब का ठेका खुला है, जिसको लेकर आसपास के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस ठेके के आसपास मंदिर, स्कूल व कॉलेज हैं। इलाके वासी इस ठेके को बंद करवाने के लिए यमुनानगर के DC SP से भी मिल चुके हैं। जींद में खौफनाक वारदात, फंदे पर लटका मिला महिला का शव, सारे कमरों में बिखरा था खून, वजह हर घर से जुड़ी। जींद के गांव हैबतपुर में घरेलू कलह के चलते एक महिला की तेजधार हथियार से वार करके हत्या कर दी। महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला और शरीर पर चोट के निशान थे। कमरे में खून बिखरा मिला। पुलिस ने महिला के भाई की शिकायत पर पति व देवर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपित पति जनस्वास्थ्य विभाग में ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। KMP एक्सप्रेसवे पर अंधेरे के कारण रोजाना हो रहे हादसे। कुंडली मानेसर पलवर एक्सप्रेसवे पर अंधेरा होने के कारण रोजाना हादसे हो रहे हैं। पूरी सड़क पर टोल प्लाजा के अलावा कहीं भी लाइटें नहीं जलती हैं। KMP एक्सप्रेसवे को जगमग करने के लिए तैयार किए गए करीब 12 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर भी कोई कार्य नहीं हुआ है। अभी तक इसका कनेक्शन भी नहीं किया गया है। अंधेरे होने से सड़क के किनारे खड़े खराब हुए वाहन दिखाई नहीं देते हैं। पीछे से आने वाले वाहन कई बार इनसे टकरा जाते हैं। हर दिन हो रही दो वारदात, आज फिर दो लोगों के 2,32,000 रुपए निकले। 22 केस में से सिर्फ एक ही सुलझा पाई पुलिस। रेवाड़ी में साइबर ठग पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन रहे, लेकिन पुलिस अभी तक साइबर ठगों की नाक में नकेल डालने में नाकाम रही है। रेवाड़ी के साथ साथ महेंद्रगढ़ जिले में भी ठगी के मामले बढ़े हैं। औसतन हर दिन रेवाड़ी में ही ठगी की दो वारदातें हो रही हैं। इनमें अधिकांश ऑनलाइन ठगी की होती है। रविवार को भी साइबर थाना पुलिस व सिटी पुलिस ने साइबर ठगी के दो मामले दर्ज किए हैं। साउथ रेंज के अकेले रेवाड़ी साइबर थाना में अभी तक ठगी के 22 FIR दर्ज हो चुकी हैं। इनमें से पुलिस सिर्फ ओडिशा के पूर्व DGP के साथ हुई ठगी की वारदात को सुलझा पाई, बाकी बचे मामलों में पुलिस की जांच ही चल रही है। रेवाड़ी में पार्टी कार्यालय की बजाय एक प्राइवेट स्कूल में हुई कार्यकारिणी की बैठक, धनखड़ ने किया भूपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन का भले ही रेवाड़ी में कोई ज्यादा असर नहीं है, इसके बावजूद प्रदेश के अन्य जिलों में हुए विरोध में सबक लेते हुए रविवार को भाजपा ने पार्टी कार्यालय में संगठन की बैठक करने की बजाय 400 मीटर दूर एक भाजपा नेता के प्राइवेट स्कूल में की। जिला कार्यकारिणी की बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित करने के लिए प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा खेल मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। दो सत्र में हुई बैठकों में पदाधिकारियों की पार्टी की तरफ से होने वाली आगामी गतिविधियों की जानकारी दी गई। सोनीपत में कैंटर व पिकअप की टक्कर, दो लोगों की मौके पर मौत हुई। पंचर होने से सड़क किनारे खड़े वाहन को तेज रफ्तार गाड़ी ने पीछे से ठोका। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना कस्बे में हर रविवार को तड़के हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। हादसा रोहतक पानीपत हाईवे पर सुबह 5 बजे हुआ। पंचर होने के कारण सड़क किनारे खड़े पिकअप को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप पलट गई और उसके चालक व हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई।